हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपिका और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपिका की रेसिपीज़ में। तो सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सबके जीवन को बहुत सारी खुशियों से भर दें। तो आज की जो रेसिपी है वो जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी ही है। तो आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर पेड़ा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी ले लिया है और हम इसको अच्छी तरह से पहले मेल्ट होने देंगे। घी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 कप मिल्क। ये रूम टेम्परेचर पर था मिल्क, नहीं ना ही तो ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। तो बस अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप शुगर, या आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है। इस सब को हम अच्छी तरह से घोल लेंगे तब तक जब तक ये शुगर इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। इसको हमने अच्छे से चलाते हुए शुगर को अच्छे से घोल लेना है। और यहाँ पे देख, शुगर यहाँ पे अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, और आपने मिल्क पाउडर जो है वो एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। अगर हम एक साथ डाल देंगे सारा तो फिर इसमें जो है लम्प्स पड़ जाएंगे और आपको ना जो ये रहता है आपका विस्कर, उसी के साथ आपने इसको घोलना है। इससे अच्छे से ये इसमें घुल जाता है और कोई भी लम्स नहीं पड़ता है। तो यह मैं धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, और मैंने 1 कप यानी 250 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर लिया था। और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, मीडियम या हाई आपने बिल्कुल नहीं रखना है फ्लेम को। तो हम इसको धीरे धीरे करके सारे पाउडर को डाल लेंगे। लगातार चलाते हुए हमें इसको पकाना है जब तक ये डो की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है। तो लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाएंगे। मिल्क पाउडर पेड़ा खाने में जितना टेस्टी होता है, ये बनाने में उतना ही इजी रहता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाता है और ज़्यादा कोई दाम जाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो आप भी ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। पहली बार में ही आपका जो मिल्क पाउडर पेड़ा है वो बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल लगातार जो है वो चला के इसको पका रही हूँ, और ये यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा हो गया है। हमें थोड़ी देर इसको और पकाना है, 5 मिनट तक, और फिर हम इसको उतार लेंगे एक प्लेट में। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद है तो आप यहाँ पे 1/2 टीस्पून जो है वो इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्किप किया है इलायची पाउडर।
तो पेड़े का जो डो है वो बन के तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में पलट लेंगे और यहाँ थोड़ा आराम से काम कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही गर्म है इस टाइम पे। बहुत ही ध्यान से इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कीजिएगा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, इतना ठंडा कि हम हाथ से इसे छू सकें। डो ठंडा हो चुका है तो हम इसके अब पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। मैंने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि ये हाथ के साथ चिपके ना। पेड़े का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको पसंद है। और गार्निशिंग के लिए आप पिस्ता, काजू, बादाम जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स में वो आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम का यूज़ किया है। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। जन्माष्टमी पे आप इन पेड़ों का कान्हा जी को भोग भी लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे बनके तैयार हैं हमारे मिल्क पाउडर के पेड़े। तो आप ज़रूर से बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। हर हर कृष्णा।